कहते हैं किसी भी रियासत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति उस रियासत का राजा होता है, लेकिन अमेठी रियासत में ऐसी कौन सी अद्भुत शक्ति थी जिसके सामने वहां के राजा को भी झुकना पड़ा। यह कहानी है कालिकन धाम की। यहाँ अमृत कुंड की रक्षा के लिए महाकाली स्वयं विराजमान है। लखनऊ से 140 किलोमीटर दूर अमेठी और प्रतापगढ़ की सीमा पर स्थित है ये अद्भुत मंदिर। प्रपन्नार्ति हरि प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वे स्वरिपाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य। प्रेम से बोलो गालिका मैया की जय। अयोध्या के महाराज शरयाती एक बार यहाँ शिकार खेलने के लिए आए तो उनके साथ उनका पूरा परिवार भी था, पूरा परिकर भी था। उनके साथ उनकी एक कन्या थी जिसका नाम सुकन्या था। जंगल में घूमते हुए एक बामी को देखा। उस कन्या ने कौतूहल बस बामी के अंदर से चमकती हुई आंख को देखा तो उसने सोचा क्या चमक रहा है। कौतूहल बस बच्चे ने क्या किया, तृण खाया, एक कुशा से उस ज्योति का छेदन कर दिया और छेदन करने से उसमें रक्त की धार निकलने लगी। कन्या डर गई, अपने सहेलियों के साथ से भागकर शिविर में जाकर बैठ गई और उसका नतीजा यह हुआ कि जो राजा के सैनिक थे, हाथी घोड़े थे, उनका मलमूत्र सब बंद हो गया। तब राजा ने विचार किया क्या हुआ, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो विद्वानों से परामर्श जब लिया तो विद्वानों ने कहा महाराज यहाँ किसी ऋषि की तपस्थली है, ये लगता है उनका अपमान हुआ है। ढूंढने पर सबसे पूछा जाने लगा तब लोगों ने बताया कि महाराज सुकन्या ने जाकर अपने अपराध को कबूल किया और ले जाकर ऋषि के उस बामी को दिखाया। बामी पे जल डलवाया गया, धुलवाया गया, उसमें से महाराज चमन ऋषि निकले जिनकी दोनों आंखें फूट चुकी थी। तो महाराज ने कहा ऋषि से क्षमा याचना की, कहा हे प्रभु आपका अपराध मेरी कन्या ने किया है तो सजा मेरे पूरे सैनिक बल को क्यों मिल रहा है, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपका अपराधी हूँ और इस कन्या ने आपका अपराध किया है, इसलिए इस कन्या को मैं आपके सेवा में छोड़कर जा रहा हूँ। और कन्या ने कन्या को राजा शरयाति चमन ऋषि के पास छोड़कर अयोध्या वापस चले गए। और इसी समय एक दिन की बात थी, सुकन्या फूल चुक रही थी। इतने में अश्विनी कुमार जो देवों के वैद्य कहे जाते हैं यहां पर औषधि लेने के लिए, चूंकि ये औषधियों का भंडार है जंगल, बसरते यह है कि अभी
हमें आपको पता नहीं है। औषधि लेने आए तो देखा एक नव यौवना कन्या एक वृद्ध के साथ, पता लगाया तो कहा ठीक है मैं आपके इस दुख को दूर कर सकता हूं। कहा हाँ आप, मैंने सुना है कि आप देवताओं के वैद्य हैं, आप मेरे इस दुख को दूर करें। महर्षि चवन ऋषि को लेकर के अश्विनी कुमार इस जो भीम पोखर ये सगरा है इस सगरे में प्रविष्ट हुए, और जब निकले तो उस समय महाराज चवन ऋषि युवा थे, छोड़ करके अश्विनी कुमार चले गए। तो कहा मैं आपका यह ऋण कैसे उतार सकता हूं। अश्विनी कुमारों ने कहा कि हे ऋषिवर, मुझे देवताओं के साथ भाग नहीं दिया जाता। कहते हैं महाराज इंद्र कहते हैं कि जो ये वैद्य कर्म है ये निषिद्ध कर्म है, इसलिए तुम्हें देवताओं का भाग नहीं दिया जाएगा। तब महर्षि चवन ने कहा कि मैं यहां यज्ञ करूंगा, सोम यज्ञ करूंगा, उस समय मैं आपको भाग दूंगा। वैसा ही किया जैसा अश्विनी कुमार चाहते, परंतु इंद्र को क्रोध आया, इंद्र ने अपने वज्र को उठा लिया महर्षि चवन पर प्रहार करने के लिए, अपने कमंडल से जल लिया और स्तंभित कर दिया इंद्र के वज्र को, और यज्ञ पूर्ण हुई। क्षमा याचना करने पर महर्षि चवन ने उनसे क्षमा किया। तब इंद्राज आज भी इसी समय, आज भी जब भी कोई पूजा होती है पंचलोक पाल के बीच में अश्विनी कुमारों को स्थान दिया जाता है, आज भी अश्विनी कुमार महर्षि चवन की वजह से पूजित है। और कुछ समय पहले की बात थी, अमेठी के राजा, विद्वानों के द्वारा पता चला कि आपके राज्य में अग्निकोण में जंगल में अमृत कलश है। विद्वानों के साथ महाराज आए, यहां खुदाई शुरू हो गई। महाराज चले जाते थे शाम को घर, तो जब रात की खुदाई चल रही थी तो जब अमृत कलश तक पहुंचना शुरू हुए तो यहां पर दतैया हाड़ा बिच्छू इत्यादि सर्प इत्यादि निकले, राजा के सिपाहियों को कर ले जाकर राजकोट में खड़ा कर दिया, राजमहल में ले जाकर खड़ा कर दिया। और राजा को स्वप्न में कहा, राजन जितना तुम मेरी मंदिर को खुदाए हो उतना ही ऊपर कर दो, वरना तुम्हारे मैं वंश को नष्ट कर दूंगी। महाराज के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण हुआ। तब से आदि शक्ति महामाया कालिका जी का यहाँ पूजन होता है। और विष्णु ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसकी कथा आती है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, कई कथानक है ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जो कलश में अमृत बचा हुआ था, क्योंकि स्वरभानु नामक दैत्य ने अमृत पी लिया था विष्णु के द्वारा शिरो छेदन होने के बाद भी, उसने बता दिया कि ये अमृत है, तुम लोगों को मदिरा पिलाई गई है, देवता जितने दैत्य थे सब कलश के पीछे भगे। तो महाराज भगवान विष्णु ने क्या किया, गरुण का आवाहन किया, गरुण से कहा इस कलश को ले जाकर एक सुरक्षित स्थान पर लेकर आप जाइए। अब चूंकि गरुण जी लेकर भगे कलश को, पीछे पीछे दैत्य लगे थे, जहां जहां यह कलश छलका है आज भी वहां पर महाकुंभ लगते हैं, जैसे प्रयाग नासिक हरिद्वार ऐसी कई जगह है जहां पर महाकुंभ लगता है। और अंत में चलते चलते जब गरुण जी थक गए तो इस कालिकन के पवित्र पावन भूमि पर आकर छुप गए जंगलों में, और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इस कलश को थोड़ा और भी दूर उठाकर ले चल सकूं। तब महाराज ने अपनी आद्य शक्ति का आवाहन किया जो कालरात्रि के रूप में यहां प्रकट हुई और उस कलश पर एक पर रखकर खड़ी हो गई और दैत्यों का संहार किया। और माता जी के तब से यहां पर वही माता जी यहां स्व प्रकट हुई है, स्थापित नहीं है, सिर्फ माता जी तब से यहां है और इस क्षेत्र के यहाँ के लोगों की रक्षा करती है। आज भी जो श्रद्धा से यहाँ आता है, जो भी अपनी मनोती करता है, माता रानी उसकी मनोती को पूरा करती है। उसका प्रमाण यहाँ के लगे हुए घंटे हैं, यहाँ पे बंधी हुई चुनरियां और यहाँ आते हुए लोगों की आस्था है। आप ये नीर देख रहे हैं, यहाँ की ऐसी मान्यता है कि कोई भी रोगी इस नीर को पीने से रोग मुक्त हो जाता है। इस नीर को आँख में डालने से आँख की रोशनी वापस आ जाती है। इस सरोवर को माना जाता है, आज भी यहाँ पे लोगों की मान्यता है और देखने को मिलता भी है, जो इसमें स्नान करते हैं चर्म रोग इत्यादि ठीक हो जाते हैं।
अब वहां पर देवताओं ने मंत्रणा किया कि आगामी कलिकाल आएगा, अमृत को खोज लेंगे लोग बाग। तो महर्षि श्रवण जी साग को पा सकते, शक्ति को पा सकते, इसीलिए उन्होंने ही यहाँ पे च्यवनप्राश जैसे शक्तिवर्धक चूर्ण का आविष्कार किया था। और उसके बाद फिर सारे देवताओं ने आपस में मंत्रणा किया, सुरहिमन कीन बिचारा, सबने मंत्रणा किया कि कोई शक्ति ही इसकी रक्षा कर सकती है। तो माँ भगवती का आवाहन किए, तब माँ भगवती आकाश मार्ग में अष्टभुजी रूप में प्रकट हुई, उनसे प्रार्थना किया कि आप अमृत की रक्षा कीजिए। तो अपने गणों के सहित एक मोटी सी शिला के रूप में माँ अपने गणों के सहित उसी पे पाषाणा स्वरूप हो गई। और उसके बाद वो अयोध्या से साकल दीपी ब्राह्मण को बुला करके यहाँ पर पुजारी रखे। आज उनकी 23वीं पीढ़ी चल रही है। तो उसके बाद जो है महर्षि श्रवण जी और सुकन्या यहाँ से मथुरा के लिए पलायन कर गए। यही कारण है कि महर्षि श्रवण जी का आश्रम मथुरा में बना, चूंकि एक शक्ति यहाँ पर माँ भगवती कालिका के रूप में विराजमान थी तो दूसरी शक्ति रहती तो एक शक्ति का अपमान होता, तो इसलिए सुकन्या को लेकर मथुरा चले गए और तब से माँ भगवती कालिका के रूप में पूजी जाने लगी। उस शिला में जब भी छेड़खानी करने का प्रयास किया गया है, तो जैसे अभी उसमें एक दरवाजा करने का प्लान हुआ था तो उसका हाथ पैर टूट गया था, दरवाजा नहीं हो पाया, तो बाहर से लोग बाग दर्शन करने लगे। शिला में पेंटिंग करने का प्रयास किया गया तो उसमें से धुआं निकलने लगा, अग्नि निकलने लगी। 6 घंटे स्तुति करने के बाद तब जा करके उनकी स्थिति सामान्य हुई। तो इस तरीके से कई घटनाएँ यहाँ पर देखने को मिली हैं और जो लाखों घंटे बंधे हुए हैं आस्था के प्रतीक हैं, यहाँ पर जिनकी मनोतियाँ पूर्ण होती है वो अपना घंटी घंटा बांधते हैं, तो ये सब उनके प्रमाण हैं। और तब से माँ भगवती कालिका के रूप से विख्यात हो गई है। ये पहले कनकपुर शहर था, कनकपुर के नाम से आज बदलते बदलते अपभ्रंश होते होते कालिकन के रूप में विख्यात हो गया है। और इस मंदिर की महत्व को आप ऐसे समझिए, जब औरंगजेब आया था तो औरंगजेब जब आता था तो सबसे पहले मंदिर को ही तोड़ता था, और जब यहाँ के स्थानीय लोगों ने उसको रोका, कहा कि आप मंदिर को मत तोड़िए, तब औरंगजेब ने कहा कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, अगर कोई चमत्कार रात्रि भर मुझे दृश्य होता है तो मैं इस मंदिर को छूऊंगा तक नहीं। और वही हुआ, रात्रि के 12 बजे मंदिर का जो गेट आप देख रहे हैं पश्चिम दिशा में है, ये पूर्व दिशा में कभी हुआ करता था, और रात के 12 बजे गड़गड़ाहट के साथ पूरा मंदिर परिसर घूमा है और इसका गेट जो है ये पश्चिम दिशा में हो गया। आप ये यज्ञ देख रहे हैं, यहाँ पर महर्षि चमन मुनि ने यज्ञ करके माता का आवाहन किया और यहाँ पर माँ कालिका स्वयं प्रकट हुई। जिसकी भी मनोकामना पूरी हो जाती है वो यहाँ आकर घंटे और चुनरियों को बांध देते हैं। ये दीपक प्रज्वलित हैं और भक्तों के प्रति माता रानी के लिए श्रद्धा, और इन्हीं श्रद्धा के साथ भक्त अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के हेतु और यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करते हैं, और माता रानी की असीम अनुकंपा से भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण होती है, और यही सब श्रद्धा माता रानी के प्रति सभी भक्त रखते हैं और दीपक को प्रज्वलित करके अपने अपने मनोकामना को पूर्ण करते हैं।